वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बहुत स्पेशल दिखाने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में आप लोगों को देखने मिलेगा वो पहला दिन जिस दिन के बाद से मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव आ गए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बदलाव आ गए। जिंदगी एक चेंज हो गई और जो मुंबई में आने के बाद एक अकेलापन लगता था, जब घर से मैं दूर हो गया तो एक जो अकेलापन लगता था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। लाइफ में जो कुछ भी डिप्रेशन होती थी वो सिर्फ अब मुश्किल से 30 सेकंड या 40 सेकंड ही रह जाती थी। क्यों? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि मेरे घर पे पहली बार टक्कू आने वाला था, या फिर कह लो कि मेरा एक नया फैमिली मेंबर आने वाला था। और जिस दिन से वो इस फैमिली में आया, मेरे घर में आया है, तो मेरे घर में बहुत सारे बदलाव, मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो गए। तो ये सोचते सोचते मैंने सोचा कि क्यों ना यार आप लोगों को वो पहला दिन शेयर करूं जिस दिन टक्कू घर पे आया था। तो उम्मीद है कि आप उस वीडियो को एंजॉय करेंगे। वो मैंने कंप्लीट वीडियो बना के रखा था, शायद आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। और अब आपको दिखाई देगा वो पहले दिन का वीडियो जिस दिन टक्कू घर पे आ रहा था। मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था, जिया कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी, किस तरह से तैयारियां हो रही थी, सब कुछ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि लास्ट में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया हूं, ऐसी चीज की मतलब आपको बहुत जानना जरूरी ही है। तो मिलते हैं उस वीडियो को खत्म होने के बाद फिर से। दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और आने वाला है हमारे घर में हमारा न्यू मेंबर। जी हाँ दोस्तों, न्यू मेंबर कौन आने वाला है मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग जरूर समझ गए हैं। जी अभी उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो यहाँ पर वो पहुंच चुकी है और अभी यार एक्चुअली ना मैं रात में सोया 2 बजे मेरी नींद लगी और मैं 6 बजे से उठ के टाइम देख रहा हूँ कि अब आएंगे। अभी फोन आता है। उनका फोन आया तकरीबन 7:45 और बोले कि हम लोग 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। घर मैंने अच्छे से उसके लिए तैयार करके रखा हूँ और उसके लिए बेड का भी थोड़ा इंतजाम करके रखे। इसमें अगर पॉसिबल हुआ तो उसका साइज ये रहा तो इसमें आ जाएगा वो, नहीं तो फिर उसके लिए कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके लिए बेड तो ऑर्डर हो गया, उसके लिए बेड तो आने ही वाला है, लेकिन अगर जब तक बेड नहीं आया तब तक उसके लिए कुछ अच्छा जुगाड़ हो ही जाएगा। उसे कुछ खिलौने हैं तो खिलौने तो लेके आ रहे हैं जो उसके ओनर है, मतलब फर्स्ट ओनर है जिनके पास वो रहता था, जो उसकी फर्स्ट मॉम है। मैं फटाफट भाग के आई। हाँ ये भी उतनी ज्यादा एक्साइटेड जितना ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। तो उन लोगों का फोन आएगा और शायद हम लोग तुरंत नीचे चलेंगे। नीचे ही चलेंगे ना? हाँ। और आप लोगों को नीचे से ही दिखाएंगे कि वो कैसा है। और पूजा की थाली तैयार की तुमने? अभी नहीं की, अभी तो खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। पूजा के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या तैयारी करना पड़ेगा? मैं सोच रही थोड़ी सी आरती कर देंगे, टीका लगा देंगे तो ठीक है। मैं क्योंकि अपने पास वो सब तो नहीं है, थाली वाली जो रखते हैं वो वाला रेड रहता है वो वाला, अपने पास तो वो सब कुछ है ही नहीं। मेरे पास भी तुम्हारे पास भी नहीं है। ठीक है तो एक काम करते, तुम कैमरा पकड़ो, मैं रेडी करता हूँ। ठीक है। हाँ तो ये मैं राइस चढ़ा रही थी। अच्छा तुम राइस चढ़ाओ। हाँ उसके लिए राइस है? नहीं वो राइस पहले का है तो मैं इसको फेंक रही हूँ, दूसरा चढ़ा रही हूँ। उसके लिए चढ़ा दो अच्छा वाला, क्योंकि आएगा बहुत दूर से आ रहा है, पता नहीं कब से उठा हुआ है तो उसको भूख लगी होगी ना। हाँ उनको आ जाने दो, मेरा तो ये कहना है। और वो घर पे थोड़ा उनको कॉफी पिलाओ सब लोगों को और रेस्ट करवाओ, और या तो वो लोग चले जाएं या तो फिर रुके हुए हैं, फिर अपन उसका स्वागत करेंगे अच्छे से, है ना। ये पानी का वॉल्व बंद कर दो ना। एक तो सुबह सुबह जो पानी के आने का टाइम है ना वो है 6:30 बजे का, मेरा उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो जब नींद खुलती है मैं वॉल्व चालू कर देता हूँ, जितना पानी भरना रहता है भर जाता है। ये उसके लिए नहीं है। हाँ, वो काट काट ही खेलेगा। हाँ क्योंकि उसको काट देगा और बेड बच जाएगी, तो इसलिए इसको मैं निकाल देता हूँ। हाँ क्योंकि और ऊपर तो नहीं चढ़ पाएगा, इधर की चीजें नहीं उतना डैमेज करेगा। हाँ बट नीचे का दांत से काट काट के खेल सकता है। हाँ दोनों निकाल दो, दोनों काटेगा। और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं उसको लेने के लिए। चलो मैं इतनी एक्साइटेड हूं मैं बता भी नहीं सकती। इतना एक्साइटेड हो कि कैमरे को ऐसा ज़ूम कर दियो कि मैं नहीं बता सकता। बंद कर दो गैस, गैस चालू मत रखो। हाँ तो ठीक है चलो, जब तक आ जाओगी। फैन भी ऑफ कर देता हूँ। हाँ है चाबी है। मेरे को वैसे भी ज्यादा गर्मी नहीं होती है और इतनी मॉर्निंग में इतनी गर्मी, मैं तो समझ लो एक्साइटमेंट लेवल। एक्साइटमेंट मैंने टी शर्ट कैसे पहना, ये मिरर बहुत खराब है देखो।
टी शर्ट के भोकले आज 13 दिन है आज 13 दिन है भोकले हाँ। पर उसके दिन है हाँ। आज तो हमारा दिन नहीं है, ये आ गया हम लोग के पास और उसका खेलना भी शुरू हो गया जी अगर चांद भी रहा था यहाँ पे छोटा सा बच्चा ही है ना अभी नीचे पार्किंग का भी इशू हो रहा था, इशू नहीं मतलब बेसिकली क्योंकि जितनी देर भी रुके फिर कोई टेंशन नहीं रहता, इसलिए मैंने वॉचमैन से बात करके सेफ जगह गाड़ी लगवा दिया हूँ। और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं ऊपर और देखते हैं टक्कू को नया घर पसंद आता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, इसका नाम टक्कू है और देखते हैं अभी अगर उसको पसंद आया तो उसका नाम चेंज करेंगे, नहीं पसंद आया तो टक्कू ही रहेगा, क्या होता है। अभी पहुंच गए हम लोग अपने 16th फ्लोर में, अंदर चल के आपसे थोड़ी बात करते हैं। अंदर वाले घर में इसको घुमा के लाऊंगी अभी। हाँ घर दिखा दो उसको। आ जाओ चलो अपना रूम देखते हैं, चलो ये देखो अपना रूम। हाँ देखो अपना रूम, देखो 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 ये देखो अपना रूम, यहाँ पे सोएंगे हम ठीक है फोटो से तो कितना छोटा लग रहा है यार बहुत छोटा, मैं बोली था तुमको छोटा है, 2 महीने का मतलब बहुत छोटा है। हाँ ये पैट है वैसे कि हर डॉग खाता है, तो हम लोग ना हमारे वाले डिब्बे में से 5-6 निकाल के ले आए, अभी आपका चल जाएगा हाफ का 10 डेज तक। ये उसका डिवॉर्मिंग है तो खेल रहा है खुद खुद ही करता है यार कैसे खुद खुद ही कर रहा है मेरे पास टक्कू टक्कू, ये देखो इसको इतने बड़े बड़े टैडी मिल गए हैं, बस उसकी लाइफ सेट हो गई, सो गया उसके ऊपर। हाँ यार नहीं लेकिन उसको ऑपरेशन कर देगा ये बोल रहे थे ना, ओ ओ टक्कू टक्कू ओ बच्चो टक्कू, ये देखो इसके बर्ड्स वर्क के साथ खेल रहे हैं, इसके खिलौने हैं, उसका शेर देखो उसका असलन, हाँ उसका असलन ये देख लो, हाँ ये देखो, ये इसको बंदर बहुत पसंद है, मंकी शेर से लड़ रहा है, नहीं इसको मंकी पसंद है इसका मंकी इसका दोस्त है, मंकी दोस्त है, अच्छा ये इसका दोस्त है और ये हाँ। ये भी दो दो मंकी, ये इसे कम उसको काटता है, ये दोनों इसके दोस्त है मंकी, ऐसा ना ऐसा काटता नहीं है उसके साथ खेलता है बस, मुझे लगता है चाटता हाँ। है उनको चाट चाट के खेलता है, बच्चा है ये, बच्चा है छोटा सा बच्चा। दोस्तों हमको तो मिल गया एक प्यारा सा न्यू फैमिली मेंबर और देख सकते हैं आप लोगों ने कि हमने स्ट्रीट को घर पे लेके आया है, इंडी डॉग, इंडी है ये, तो मतलब ये जो था ये अबंडेंट था, इसकी माँ इसके साथ नहीं थी, तो किसी भी ब्रीड वाले डॉग को लेने से बेटर है आप इंडी डॉग को लो, वो आपके साथ रहेगा, क्योंकि इन लोगों को माँ की जरूरत है, इन लोगों को घर की जरूरत है, अगर आप केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बेचारे सड़क में रहेंगे, तो इट्स बेटर जब भी मौका मिले अडॉप्ट ही करें ब्रीड वाला नहीं इंडी डॉग को, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ज्यादा कठिन होती है, तो इनकी लाइफ थोड़ी आसान बनाने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो जरूर अच्छा लगा, थोड़ा अलग, क्योंकि मैं सोचा कि यार टक्कू को आए हुए 8 महीने बीत चुके हैं तो कुछ आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं, उसके बारे में बहुत कुछ सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको वो पहला दिन दिखाऊं जिस दिन वो आया था, तो आप लोगों को दिखा दिया, इसलिए अब तक इस वीडियो को देख ही लिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो, और इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी और टक्कू की भी दोनों की ही, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाइए, हमसे पर्सनली जुड़े भी रह सकते हैं। कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं और शाम वाला यूनिक वीडियो देखना मत भूलना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय।